वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिल्म्स ऑन द ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो मैं दिन के 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग आज भी जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी मेरी, तो वो सारी चीज़ें आज मुझे लानी है, क्योंकि फिर 1 हफ्ते बाद हमें गाँव के लिए निकलना है। तो आज मुझे सारे शॉपिंग करनी है। तो मैं आज शॉपिंग करने कहाँ जा रही हूँ अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, सीधा मिलते हैं मार्केट में, फिर मैं बताती हूँ कि आज मैं कौन सा मार्केट जा रहा हूँ। गाइस आज शॉपिंग करने के लिए दी मैं, अंकू और राहुल जा रहे हैं, क्योंकि राहुल को भी कुछ चीज़ें लेनी थी और मुझे भी। अभी देखते हैं इन लोगों को वहाँ पे क्या पसंद आता है और मुझे क्या पसंद आता है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से अब से। साड़ियों का काम तो हो चुका है, अभी देखते हैं आगे। अभी कुछ चीज़ें और रह गई हैं तो वो सब ले लेते हैं। तो हमने ये ना नियान के लिए ले लिया है, तो हमने ना ये थैला भी खरीद लिया और इसमें सारा सामान डाल दिया जो जो भी हमने अभी लिया है। तो नियान के लिए दीने 5 ले लिए हैं बुढ़िया के बाल। अभी देखते हैं घर जाके वो खाता है या नहीं खाता है। और इन दोनों को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, मुझे भी लग रही है, बट अभी देखते हैं आगे खाएंगे कुछ। इनकी दूसरी शॉप से हमने यहाँ पे खाना भी ऑर्डर कर दिया, और खाने में है छोले भटूरे, चाउमीन और चिल्ली पटेटो ऑर्डर किए हैं। तो ये 2 चीज़ तो आ चुकी है हमारी। इन लोगों को भी लगी है बहुत भूख। दीदी हैंड वॉश करने गई है, तो खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने छोले भटूरे चाउमीन वगैरह तो खा लिए है। अभी राहुल और अंकू अभी कोल्ड कॉफ़ी और मैंगो शेक बनवा रहे हैं, और दी और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। भाई उसने पैसे वापस किए हैं मुझे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन में तो निकलना ही मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे। अभी तो थोड़ा ठीक है, छाँव हो रही है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। दी अंकू पी रहा है मैंगो शेक और राहुल ले रहा अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, हमारी कोल्ड कॉफ़ी। तो इसको पीते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये वाली शर्ट ले रही हूँ मैं अपने भाई के लिए, और अंकू अब तू पसंद कर ले, अब ये भी अपने लिए पसंद करेगा। मैंने ये ले ली अपने भाई के लिए, मैंने यहाँ से अपने भाई के लिए शर्ट ले ली है। अभी अंकू भी देख रहा है और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी देख लेती हूँ। राहुल से भी बोल रही हूँ देखने के लिए, ये तो देख नहीं रहा है। अभी देखते हैं हमें यहाँ से कितनी टी शर्ट्स पसंद आती है। ये अच्छी लग रही है, और साइज पूछियो भैया से ज़रा। मैडम कम से कम आप 15 पीस लेके जाओ, कौन सा आप रोज रोज आते हैं? यहाँ से भी 5 टी शर्टें ले ली हैं, 2 राहुल ने ली हैं, 1 अंकू ने, और 1 मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली है, और 1 अपने भाई के लिए ली है। तो टोटल हमने यहाँ से 5 टी शर्टें ले ली हैं इन लोगों के लिए भी। अभी देखते हैं छोटी मोटी चीज़ें और लेनी है, उसके बाद घर को निकलना है, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैंने यहाँ से नियान के लिए ये स्लीपर भी ले लिए हैं। भैया
तो गाइस यहाँ से जो लेना था वो तो ले लिया, और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं मिली, और ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए, इन लोगों ने ऑटो भी ले लिया, तो हम लोग निकल रहे हैं घर को, क्योंकि शाम को अट्टा मार्केट भी जाना है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर के। घर पे पहुँच चुकी हूँ, और नियान को ना मैंने वो सैंडल पहना दिए जो मैं लेके आई थी। तो नियान आप चल के दिखाओ, ये बहुत खुश हो रहा है ना। नियान कम इधर आओ, चल के दिखाओ, मजा आ रहा है आपको। तो इसको काफी मजा आ रहा है। अब हम निकलते हैं अट्टा के लिए, क्योंकि अट्टा से भी सामान लेना है, तो निकलते हैं। दोबारा से मार्केट के लिए निकल चुके हैं घर से, हम जा रहे हैं अभी अट्टा मार्केट, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, लहंगा वगैरह भी लेके आना है हमें, जो हमने ऑल्टर के लिए दिया था, और दीदी ने भी जो लहंगा ऑल्टर के लिए दिया था वो ठीक नहीं हुआ, तो वो भी सही कराना है, और कुछ सामान भी लेके आना है, तो निकलते हैं यहाँ से सेठ की दुकान पे। तो अभी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉप पे बैठी हुई हूँ, और ये लोग अभी फाइनल कर रहे हैं, अपना बिलिंग करवा रहे हैं, तो जब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही आज कितना घूमी हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ले लिए पैंट और शर्ट, बिलिंग करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो इन लोगों ने सामान भी पैक करवा लिया है, बिलिंग करवा ली है, तो यहाँ का काम हमारा हो चुका है, अब चलते हैं आगे को।